हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी सहजन आलू की सब्जी। सहजन काफ़ी हेल्दी होता है, इसको मैं काफ़ी सिंपल तरीके से बनाऊंगी और काफ़ी चटपटा होगा खाने में। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना कि मेरी नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम सहजन लिया है, आलू लिया है। सहजन को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, आलू को लंबे लंबे पीस में काट लिया है। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिया है, टमाटर को भी मैंने बारीक काट लिया है, धनिया पत्ता को भी मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ मैंने सरसों का पेस्ट बना लिया है, अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ा दूंगी, तेल ऐड कर दूंगी। देखिए तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें सरसों ऐड कर दूंगी, 2 सूखी मिर्च ऐड कर दूंगी। इसको थोड़ा भूनने दूंगी कि सरसों थोड़ा चटक जाए। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर को भी भून लूंगी। थोड़ा सा मैं चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है और इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा आता है। नमक ऐड कर दूंगी, इसको भी मैं मिला लूंगी। अब मैं इसमें अदरक ऐड कर दूंगी, अदरक को भी भून लूंगी टमाटर के साथ। तो देखिए यहाँ पे काफी हद तक टमाटर गल गए हैं। अब मैं मसाला ऐड कर दूंगी। मसाला हल्दी पाउडर लिया है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सबको मैं मिला लूंगी और मसाला को भी मैं 5 मिनट तक भूनती रहूंगी। तो देखिए मसालों में से तेल निकल गया है और थोड़ा सा मैं भून लूंगी मसाले को। अब मैं इसमें सहजन और आलू ऐड कर दूंगी। सहजन और आलू को भी मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट तक ऐसे ही भूनते रहेंगे सहजन और आलू को। तो देखिए यहाँ पे मसाले काफी अच्छे से सहजन और आलू के साथ लग गया है। मैंने 5 मिनट तक ऐसे ही भूनती रही। अब सहजन और आलू में मैं पानी ऐड कर दूंगी। 1 गिलास पानी ऐड किया है मैंने और पानी को भी मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे और 15 मिनट के लिए ढक देंगे। 15 मिनट के बाद मैं एक पर ढक्कन हटा के चेक कर लूंगी। तो देखिए काफी हद तक पानी सूख गया है। एक बार मैं आलू तोड़ के देख लूंगी तो आलू अभी तक गला नहीं है। अब मैं इसमें सरसों का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छे से मिला लूंगी। फिर से मैं 10 मिनट के लिए ढक दूंगी कि आलू अच्छे से गल जाए। 10 मिनट के बाद मैं ढक्कन को हटा लूंगी। तो देखिए काफी हद तक पानी सूख गया है। अब मैं एक बार चेक कर लूंगी आलू गला है कि नहीं। तो देखिए आलू गल गया है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी।
धनिया पत्ता को भी मैं मिला लूंगी अच्छे से। तो हमारी सहजन आलू की सब्जी बनके रेडी है दोस्तों। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। तो सहजन आलू की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।